Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on types of pupae present in an insect. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एंटोमोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में पाई जाने वाली प्यूपी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले व्याख्यान में टाइप्स ऑफ लार्वा पे मैंने आपसे चर्चा की है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आपसे चर्चा की है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस पे आपसे डिस्कस किया है, और आज के इस व्याख्यान में इंसेक्ट में पाए जाने वाले प्यूपा जो होते हैं उनके क्या लक्षण हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक प्यूपा से प्यूपेरियम से प्यूपा बाहर कैसे निकलता है, तो इन कुछ फंडामेंटल बातें हैं वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। अब इंसेक्ट में जब डेवलपमेंट होता है, पिछले व्याख्यान में जैसे अपन देखा कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर कंप्लीट टाइप का डेवलपमेंट होता है और उनके परिवर्तन में सारी स्टेजेज जो है वो देखने को मिलती है, और इन इंसेक्ट में अंडों से जैसे सबसे पहले लार्वा निकलेंगे, लार्वा जो होते हैं ये फिर प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, और प्यूपा जो होते हैं ये अंत में एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो है ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इस मेटामॉर्फोसिस के भी दो पार्ट हो गए हैं। लार्वा से पहले का जो पीरियड है ये तो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड हो गया, और लार्वा के बाद का जो पीरियड है ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड हो गया। तो टाइप्स ऑफ लार्वा आपसे मैंने डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ प्यूपी आज मैं इस व्याख्यान के द्वारा आपसे चर्चा करूँगा। तो इंसेक्ट में पाई जाने वाली जो प्यूपी जो है इसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो डैक्टिकस प्यूपी और सेकेंड इज एडैक्टिकस प्यूपी। डैक्टिकस प्यूपी जो होती है, इन प्यूपा के अंदर दीज इंसेक्ट्स आर प्रोवाइडेड विथ पावरफुल स्क्लेरोटाइज्ड एंड आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स। यानी ये जो प्यूपा होते हैं इनके अंदर हार्ड काइटिन युक्त और बहुत ही दृढ़ प्रकार के मैंडिबल्स जो होते हैं, आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दे आर यूज टू एस्केप फ्रॉम द कॉकोन, और ये जो मैंडिबल्स होते हैं इनका मेन मकसद होता है कॉकोन से प्यूपा को बाहर निकलना, क्योंकि कॉकोन के अंदर इनका डेवलपमेंट हो रहा है, और जब मैच्योर जब इंसेक्ट बन जाता है तो ये अपने मैंडिबल्स के द्वारा कॉकोन का जो आवरण होता है उसको ये कट करते हैं। कट करने से उसमें सूक्ष्म अपर्सर बनेगा, उस अपर्सर के द्वारा इंसेक्ट जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव, ये जो प्यूपा है सबसे प्रारंभिक प्रकार के हैं, हाईली प्रिमिटिव प्रकार के हैं। दे आर एक्सरेट टाइप, ये एक्सरेट टाइप के होते हैं एंड प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एंडोटेरिकॉट्स। तो प्रिमिटिव टाइप के जो एंडोटेरिकॉट्स जो है उन इंसेक्ट में इस तरह के प्यूपा पाए जाते हैं, जैसे न्यूरोप्टेरा के सदस्यों में, मीकोप्टेरा के सदस्यों में, ट्राइकोप्टेरा के सदस्यों में और लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में ये प्यूपा पाई जाता है। तो यहाँ पर डैक्टिकस प्यूपा जो होते हैं इनके मैंडिबल्स बहुत मजबूत होते हैं, काइटिनाइज होते हैं, स्क्लेरोटाइज होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, और कटिंग में इसका मेन यूज होता है, आर्टिकुलेटेड होते हैं और इनमें पावरफुल मसल्स हैं वो पाई जाती है। अब सेकेंड टाइप के जो प्यूपा है वो है एडैक्टिकस टाइप के, और एडैक्टिकस टाइप के जो प्यूपा है इनको भी तीन फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सरेट प्यूपी, ऑब्टेक्ट प्यूपी और कॉरेक्टेड प्यूपी। इसमें जो एक्सरेट जो टाइप की जो प्यूपी है, इन प्यूपी के अंदर इन दीज लेग्स, एंटीना
एंड विंग रूडिमेंट्स लाइफ फ्री। इन प्यूपी के अंदर टांगे जो होती है, एंटीना जो होती है, पंखों के जो रूडिमेंट जो होते हैं वो फ्री होते हैं। दे लाइफ फ्री, दे नॉट अटैच टू बॉडी। ये जो रचना है ये शरीर के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई नहीं है। और इस तरह की जो प्यूपी होती है ये मेनली पाई जाती है साइफोनोप्टेरा के सदस्यों में, स्टेप्सिप्टेरा के सदस्यों में, कोलियोप्टेरा के सदस्यों में और डिप्टेरा के सदस्यों में। सेकेंड टाइप है ऑब्टेक्ट प्यूपी। इस तरह के जो प्यूपा होंगे इनके अंदर उपांग जो होते हैं वो बॉडी के साथ अटैच होते हैं, अपेंडेजेस आर अटैच्ड विद द बॉडी। और इन प्यूपा के अंदर एट लास्ट मॉल्ट ए फ्लूड इज सिक्रिटेड विच इज यूज फॉर द अटैचमेंट। अब इनके अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो प्यूपा में जब अंतिम बार जब कायंत्रण होगा, मेटामोरफोसिस होगा, उससे पहले ये एक चिपचिपा पदार्थ जो होता है, गोंद के समान जो पदार्थ होता है उसको ये स्रावित करता है और ये सिक्रीशन इसके अटैचमेंट के अंदर ये हेल्पफुल होता है। और इस तरह की जो प्यूपी होती है ये लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और चेल्सीडोनेट्स के अंदर ये पाई जाती है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये ऑप्टेक टाइप की प्यूपी है। तीसरी जो सब टाइप है इसमें दैट इज कॉरेक्टेड प्यूपी। इस तरह की जो प्यूपी होती है, इन दिस प्यूपी लास्ट लार्वल मॉल्ट स्किन इज रिटेन्ड एंड बिकम हार्ड टू फॉर्म प्यूपेरियम। अब इसमें प्यूपा में क्या होगा कि अंतिम बार जब निर्मोचन होता है, अंतिम बार जब मॉल्टिंग होती है तो उसकी स्किन जो होती है वो रिमूव नहीं होती है, उसको रोक लिया जाता है, उसको रिटेन कर लिया जाता है और ये जो कवरिंग होती है इसको प्यूपेरियम के जो आवरण होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। प्यूपेरियम इज बैरल शेप, इसका जो प्यूपेरियम होता है वो ढोलकी के समान होता है, बैरल शेप होता है, सेगमेंटेड टाइप का होता है, उसमें बाकायदा हेड थोरेक्स एब्डोमन के जैसे सेगमेंट जो होते हैं उस तरह के सेगमेंट इसके अंदर दिखाई देते हैं। और इसमें टांगों की, एंटीना की और पंखों की कोई अतिवृद्धियाँ इसके अंदर नहीं पाई जाती है। देर इज नो साइन ऑफ आउट ग्रोथ्स ऑफ लेग्स, एंटीनी एंड विंग्स। हाँ, ये मेनली पाई जाती है साइक्लोरेफा के अंदर। तो बेसिकली जो प्यूपी है ये दो टाइप की हो गई है, डेक्टिकस और एडेक्टिकस। डेक्टिकस के अंदर तो क्या होगा, मैंडिबल जो होते हैं पावरफुल होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, है प्यूपेरियम आवरण को, कोकुन को काटने में इसका यूज होता है। और एडेक्टिस जो होती है इसके अंदर जो मैंडिबल्स हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, स्क्लेरोटाइज नहीं होते हैं और प्यूपेरियम को काटने में इसका यूज नहीं होता है। इनमें प्यूपेरियम की जो रप्चरिंग है वो अलग विधि से होती है, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। अब क्वेश्चन है कि इस प्यूपेरियम के अंदर जो प्यूपा है इसकी प्रोटेक्शंस कैसे होती है, प्यूपेरियम का जो आवरण है वो किससे बनता है। अभी जैसे एक्सोगैंग्लियन में मैंने आपको बताया कि रेशम का जो कीड़ा होता है मलबरी सिल्क वर्म जो होता है उसके अंदर प्यूपेरियम का जो आवरण है वो रेशम के धागों का बना हुआ है। तो अलग अलग इंसेक्ट में प्यूपेरियम का जो खोल जो होता है, उसका जो कवच होता है वो अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है। तो कुछ बेसिक टाइप है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा। जैसे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज सबटेरेनियन हैबिट। अब इस तरह की हैबिट में क्या होगा कि लार्वी जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और ज़मीन के अंदर जो मिट्टी हो जो होती है उसी को एक तरह से प्यूपेरियम के कवच के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो सबटेरेनियन हैबिट जो होती है, सबटेरेनियन मटेरियल जो होता है उसको प्यूपेरियम का आवरण बनाने में काम में लिया जाता है। और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है ये पाई जाती है लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में और कोलियोप्टेरा के सदस्यों में। दूसरी डिवाइस इसमें हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ कॉकोन। तो कई बार प्यूपा के चारों ओर प्यूपेरियम आवरण बनता है जिसको कोकुन बोलते हैं। अब प्यूपेरियम की जो कवरिंग का जो मटेरियल है वो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग हो सकता है, जैसे वुड चिप्स। तो कई बार लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी के जो पतले छिलके होते हैं, इनको कोकुन का आवरण बनाने में काम में लिया जाता है। और इस तरह की परिघटना वुड बोरिंग लार्वा में पाई जाती है।
जो मिट्टी के जो तने होते हैं, बड़े बड़े जो पेडी होती है, उन पेडी के अंदर ये वुड बोरिंग लार्वी रहती है, और उसका वुडन मटेरियल जो सेलुलोज है, एक तरह का सेलुलोज टाइप की कवरिंग इसके अंदर मिलती है। मिट्टी के जो कण हैं, चिकनी मिट्टी है जैसे अर्थ पार्टिकल्स, और इस तरह का जो पिपेरियम होता है वो ग्राउंड लिविंग लार्वा के अंदर पाया जाएगा। जो मिट्टी के अंदर लार्वा जो निवास करते हैं, उन लार्वा में पिपेरियम मिट्टी के पार्टिकल से बनता है। बॉडी हेयर, कई बार बाल जो होते हैं, बॉडी हेयर, इनको पिपेरियम आवरण बनाने में काम में लिया जाता है, और इस तरह की परिघटना जो होती है वो एरेक्टिड के सदस्यों में पाई जाती है। इसके अलावा सिल्क फाइबर, रेशम के धागे जैसे हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा में सिल्क मोथ जो होता है उसके अंदर ये परिघटना पाई जाती है, हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। तो पिपेरियम आवरण है वो लकड़ी के बुरादे का हो सकता है, मिट्टी के पार्टिकल का हो सकता है, बालों का बना हो सकता है, रेशम के धागों का बना हो सकता है। तीसरी डिवाइसेस में होती है फॉर्मेशन ऑफ पिपेरियम। अब जिन इंसेक्ट में कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर अंडों से लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा बनेंगे, प्यूपा से फिर एडल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो उसके अंदर ये नेचुरल फिनोमेनन है, और पिपेरियम आवरण जो होता है वो इन इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और ये परिघटना जो है वो डिप्टेरा के सदस्यों में मेनली जैसे पाई जाती है। चौथी डिवाइस इसमें हो सकती है बाई स्ट्रॉन्ग स्क्लेरोटाइजेशन। तो कई बार क्या होता है कि लार्वा के चारों ओर जो पिपेरियम जो आवरण बनेगा वो काइटिन युक्त होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होता है, क्यूटिकुलराइज्ड होता है, उसके अंदर फिनोलिक कंपोनेंट है वो होता है, टेंड प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, तो अत्यधिक दृढ़ आवरण जो होता है वो इनके अंदर बन जाता है, और ये परिघटना लगभग सभी इंसेक्ट्स में पाई जाती है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट्स। और लास्ट जो डिवाइसेस में, दैट इज कंसील्ड इन हॉस्ट स्किन। अब कई बार क्या होता है कि लार्वा जो होते हैं वो पैरासाइट के रूप में है, मान लो कोई इंसेक्ट किसी हॉस्ट के ऊपर पैरासाइट के रूप में है, अब पैरासाइट के रूप में है तो डेफिनेटली लार्वा उस हॉस्ट की बॉडी में ही डेवलप होंगे, और इन लार्वा का जो कलर पैटर्न जो होता है वो कई बार हॉस्ट के स्किन के जैसे ही होता है, कंसीलमेंट यानी छिपने वाला। तो ये लार्वा क्या करते हैं कि उस हॉस्ट की बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, और हॉस्ट की बॉडी है वो इनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और ये जो परिघटना है ये लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, और हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न हैं प्यूपल की प्रोटेक्शंस के। अब इन प्यूपा के अंदर इंसेक्ट का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लार्वा में जो इमेजिनल डिस्क जो होती है, प्रत्येक इमेजिनल डिस्क अपने अपने करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इंसेक्ट जब बनेगा तो उसके अंदर माउथ पार्ट्स भी बन जाते हैं, टांगे भी बन जाती है, पंखों की फॉर्मेशंस भी हो जाती है, जेनाइटेलिया जो होते हैं वो भी बन जाते हैं। अब ये इंसेक्ट क्या करेंगे, ये अब इस प्यूपा का जो आवरण है, प्यूपेरियम का जो कवच है, उस कवच को तोड़ते हैं। लेकिन इस कवच को तोड़ने की जो घटना है वो डेक्टिकस प्यूपे में अलग तरह से होगी, एडेक्टिकस प्यूपे में अलग तरह से होगी, क्योंकि डेक्टिकस प्यूपे जो होती है उसके अंदर तो मैंडिबल्स है वो हाईली डेवलप्ड है, और वो मैंडिबल्स के द्वारा प्यूपा के आवरण को काटते हैं, प्यूपा के आवरण के कटने से इमेच्योर जो अडल्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर इमरजेंस की जो परिघटना है वो डेक्टिकस प्यूपी में अलग तरह से होगी और एडेक्टिकस प्यूपी में अलग तरह से होगी। तो डेक्टिकस प्यूपी में तो क्या होता है कि इसके अंदर आर्टिकुलेटेड मैंडिबल्स पाए जाते हैं, मैंडिबल्स काफ़ी मजबूत होते हैं, दांतेदार होते हैं, इनके साथ जो मांसपेशियाँ जुड़ी है, अबडक्टर मसल, एडक्टर मसल्स, वो हाईली डेवलप्ड होती है, और इसमें कई बार क्या होता है कि बैकवर्ड डायरेक्टेड स्पाइंस भी पाए जाते हैं। तो कई बार इनकी बॉडी जो होती है उसमें पीछे की तरफ डायरेक्टेड, बैकवर्ड डायरेक्टेड सूक्ष्म स्पाइन जो होते हैं वो स्पाइन पाए जाते हैं, और इनके द्वारा ये कोकून को ओपन करते हैं, कोकून को काटते हैं, और कोकून के कटने से इनका प्यूपा जो होता है जिसको फेरेट अडल्ट बोलते हैं, ये फेरेट अडल्ट इस प्यूपेरियम आवरण को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और ये परिघटना जितने भी प्रीमिटिव एंडोटेरिकोड जो होते हैं उनके अंदर
इस तरह की इमर्जिंग जो होती है वो पाई जाती है। जबकि एडेक्टिकस प्यूपी जो होते हैं इनमें क्या होगा, इन इंसेक्ट में बोनी स्पाइंस पाए जाते हैं बॉडी की सरफेस के ऊपर, कोकून कटर नामक रचनाएँ पाई जाती है, हैं जिस तरह कोई कतिया होता है कैंची होती है उस तरह की रचनाएँ पाई जाती है। तो इस कोकून कटर और बोनी स्पाइन नामक रचनाओं के द्वारा प्यूपेरियम आवरण है उसको कट किया जाता है, और कट करने से फिर क्या होगा, इनके जो जो अडल्ट स्टेज है वो बाहर निकल जाती है, और ये परिघटना लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में और डिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। और इसी तरह कई बार इवर्सिबल सैक भी होता है, इवर्सिबल सैक इसको टीनीलम के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इंसेक्ट में है जैसे बल्गेज कोई होती है इवर्सिबल, जैसे आप जैसे मुंह में चिंगम लेके आप फूंक दे तो बैलून जैसे बन जाता है, गुब्बारा फूल जाता है, इसी गुब्बारे को वापस हवा खींचोगे तो ये बबल का जो गम है ये वापस माउथ के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर प्रोट्रसिबल जो स्ट्रक्चर होती है, इवर्सिबल जो स्ट्रक्चर होती है उस तरह की ये रचना बनती है, और ये परिघटना साइक्लोरेफा लार्वा जो होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो कोकून से बाहर निकलने की जो परिघटना है जिसको इमरजेंस बोलेंगे यहाँ पर, ये इमरजेंस डेक्टिकस प्यूपी में अलग तरह से होगी और एडेक्टिकस प्यूपी में अलग तरह से होगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट में ये व्याख्यान, और एग्जाम में जनरली शॉर्ट नोट्स के रूप में ये क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ प्यूपी प्रेजेंट इन एन इंसेक्ट। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, इंसेक्ट में डेवलपमेंट के दौरान अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से एडल्ट बनते हैं, और ये परिघटना मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानी जाती है। इंसेक्ट में जो प्यूपा हैं ये दो तरह के हैं, डेक्टिकस टाइप के एडेक्टिकस टाइप के। डेक्टिकस टाइप के जो प्यूपा है इनमें मैंडिबल्स हाईली डेवलप्ड होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होता है, काइटिनाइज्ड होता है, क्यूटिकलराइज्ड होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, और इसके अंदर मांसपेशियाँ हाईली डेवलप्ड होती हैं। और ये प्यूपा न्यूरोप्टेरा मीकोप्टेरा ट्राइकोप्टेरा लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। एडेक्टिकस प्यूपा जो होते हैं इनके अंदर मैंडिबल्स इतने हाईली डेवलप नहीं होते हैं, और ये भी तीन सब टाइप के हैं, एक्सरे टाइप के। ये मेनली मिलता है साइफनोप्टेरा में, स्टेप्सिप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में, डिप्टेरा में। ऑप्टेक टाइप के प्यूपा ये मिलते हैं लेपिडोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में, डिप्टेरा में और सेल्सिडोइड। और कॉरेक्टेड टाइप के जो प्यूपा है ये मेनली मिलते हैं साइक्लोरिफा के अंदर, और इनका जो प्यूपेरियम जो आवरण है उसकी जो सुरक्षा है, प्यूपा की जो सुरक्षा है वो कई तरह के मैकेनिज्म के द्वारा संपादित होती है, सबटेरियन हैबिट के द्वारा, कोकोन फॉर्मेशंस के द्वारा, प्यूपेरियम के द्वारा, स्ट्रॉन्ग स्टेरोटाइजेशन के द्वारा और कंसीलमेंट के द्वारा। और इस प्यूपा से बाहर निकलने की जो परिघटना है वो डेक्टिकस प्यूपी में अलग तरह की होगी, एडेक्टिकस में अलग तरह की होगी, क्योंकि डेक्टिकस में तो मैंडिबल्स हैं हाईली डेवलप्ड हैं, और ये मैंडिबल प्यूपा का जो आवरण होता है उसको ये कट कर देते हैं, और कट करने से प्यूपेरियम में होल बनता है, उस छिद्र के द्वारा इनका अडल्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और एडेक्टिकस में प्यूपेरियम के हटाने की परिघटना अलग तरह से होती है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और इसी के साथ मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।